तो दोस्तों, अगर आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है और कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है, पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है और सब कुछ सही होने के बाद भी हमारी सप्लाई आ रही है मेन स्विच और हमारे सिस्टम में नहीं आ रही है, तो उसको कैसे करना है? तो ऐसे सबसे पहले हम लोग होता क्या है, अपने सीपीयू को तो आप खोली लेंगे कवर, और हमें चेक करना है, सिर्फ दो चीज़ें चेक करनी है जी दोस्तों। एक तो हमारा SMPS, उसमें पावर सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है उसको कैसे देखना है जी, और एक अपनी पावर केबल सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है इसको हम कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें आ जाएँ। तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों अपनी पावर सप्लाई को चेक कर लेते हैं कि पावर सप्लाई में हमारी सही है, केबल है सही नहीं है जी। हाँ दोस्तों, इसको कैसे चेक करना है तो इसको हम देख लेते हैं। इसके लिए सिंपल, अगर आपके पास टेस्टर वगैरह है तो इससे आप चेक कर सकते हैं, सिंपल टेस्टर होता है सभी के पास। और अगर वो नहीं है तो आप सिंपल, अगर आपके पास होल्डर बल्ब है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं ये केबल सही है नहीं है, पावर केबल। तो हम पहले पावर सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी पावर केबल सही है जी। हाँ दोस्तों, ये हमारी पावर केबल सही है। अब हम चेक करते हैं अपना SMPS। तो SMPS कैसे चेक करना है, इसमें दोस्तों आप ऐसे देख सकते हैं कि हमारी जो मदरबोर्ड में बैटरी लगी रहती है उसमें भी सप्लाई हैवी है। तो इसके लिए कुछ देर के लिए आपको अपना जो CPU आप ऑन करते हैं उस बटन को दबा के रखना है थोड़ी देर के लिए। ऐसे इसको दबा के रखना है और अभी आप देखेंगे कि इसमें सप्लाई भी नहीं आ रही है, देख सकते हैं सप्लाई हमारी ड्रेन हो चुकी है। अब चीज़ करना क्या है दोस्तों, जो हमारा SMPS है और SMPS से जो पावर सप्लाई की केबल जो यहाँ पर कनेक्टर आया है जी, हमारे जो हमारे मदरबोर्ड में यहाँ पर लगा हुआ है देख सकते हैं आप। तो इसको आपको बहुत ही आराम से यहाँ पर जो हल्का से पिन दिया है नॉच टाइप का, इसको थोड़ा सा उठा करके दिखा देता हूँ आपको। इसको आपको आराम से इसको निकाल लेना है यहाँ से। तो इसको हम आराम से इस पिन कनेक्टर को बिल्कुल यहाँ निकाल देते हैं जो हमारा SMPS का से आई हुई है और मदरबोर्ड में जो कनेक्ट है यहाँ पर। तो इसमें हमारी जो 24 पिन है दोस्तों, आपको इसमें करना क्या है, बहुत ही सावधानी के साथ में आपको इसमें जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो एक ग्रीन और इस तरफ से जो ब्लैक वायर है और ग्रीन वायर है, ब्लैक और ग्रीन ध्यान रखिएगा, ब्लैक और ग्रीन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीसरी और जो चौथी है थर्ड और फोर्थ में, ये यहाँ से इस तरफ से देखिए, हमारी यहाँ से 1 2 3 4, ये आपको ये थर्ड और फोर्थ में इसको आपको एक वायर से इसको जंप करना है जी। हाँ दोस्तों, जंप करना है इसको, देखिए एक आपको इस तरह से वायर ले लेना है, ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तरह वायर लेकर के आपको ग्रीन और ब्लैक में इसको हमको पुश करना है। तो आपको इस ग्रीन और ब्लैक तीसरा और चौथे में आपको इस वायर को इस तरह से इसमें पुश कर देना है, इसको जंप कर देना है इस तरह से, आराम से करिएगा। तो इस तरह से इसमें 3 और 4 में ब्लैक और ग्रीन, ग्रीन तो ज़रूरी है दोस्तों, ग्रीन और ब्लैक इसमें आपको इसको लगा के रखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम सप्लाई इसको ऑन करते हैं। और इसको हम ऑन कर देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा SMPS चालू हो गया, अभी हवा दे रहा है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि आपका SMPS सही है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। बस इसमें दो ही चीज़ें हैं दोस्तों, अगर कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा तो इसके लिए आपको यही करना है जी। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से आप घर पर ही जी दोस्तों। और अब इस हम पिन को, कनेक्टर पिन को इसमें मदरबोर्ड में इसको हम लगा देते हैं आराम से। अब पहले पावर सप्लाई को बंद करके फिर इस पिन को, कनेक्टर को लगाइएगा, आराम से पुश कर दीजिए। अब हम चेक करते हैं अपना सिस्टम ऑन करके, कंप्यूटर CPU को ऑन करते हैं। और
और इसको हम ऑन करते हैं और देख सकते हैं अब हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है। इस तरह से बहुत ही आराम से दोस्तों इस चीज़ को कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ में और कमेंट जरूर करें दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगा। तो वीडियो देखने आपसे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखते सीखते ऑल टाइम लर्निंग।